हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी लाइफ में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ओलिगो स्पर्मिया के बारे में। यह एक मेल फर्टिलिटी इश्यूज हैं जिसमें लो स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, मेल्स में स्पर्म काउंट जो है बहुत कम हो जाते हैं। तो ये मेल्स फर्टिलिटी इश्यूज हैं, ये मेल प्रॉब्लम्स है जिनमें ओलिगो स्पर्मिया है। तो इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए। और इसमें हम इसके सिम्टम्स, कॉजेज और इसके जो है डाइट जो प्लान है, आपको डाइट कौन कौन सी चीज़ें खानी है ज़्यादा स्पर्म काउंट इंक्रीज़ करने के लिए, तो इसमें हम वीडियो में पूरी डिटेल में बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओलिगो स्पर्मिया में क्या होता है कि मेल्स में जो है जो हमारा सीमेन होता है, जब डिस्चार्ज के वक्त जो है सीमेन निकलता है, तो उसमें जो है स्पर्म काउंट, उसी में स्पर्म होते हैं, तो उनमें स्पर्म काउंट कम हो जाने की वजह से उसको हम ओलिगो स्पर्मिया बोलेंगे। मेल्स में जो नॉर्मल स्पर्म काउंट है WHO क्लासिफिकेशन के हिसाब से, उसमें 15 मिलियन स्पर्म पर मिलीलीटर ऑफ सीमेन, जो हमारा सीमेन जब जिस समय डिस्चार्ज होता है क्वाइटस के बाद, तो उसमें जो है सीमेन के साथ स्पर्म जो निकलता है उसमें 15 मिलियन स्पर्म होते हैं पर ml। तो 1 ml सीमेन में 15 मिलियन स्पर्म काउंट होते हैं नॉर्मली WHO के क्लासिफिकेशन के हिसाब से। अब हम बात करते हैं इसके जो है ओलिगो स्पर्मिया के, इसके जो टाइप्स हैं, माइल्ड ओलिगो स्पर्मिया है, मॉडरेट ओलिगो स्पर्मिया है, सीवियर ओलिगो स्पर्मिया है, और चौथा जो है अजोस्पर्मिया है, या फिर इसको बोल सकते हैं एस्पर्मिया है, एस्पर्मिया। माइल्ड ओलिगो स्पर्मिया तब कहेंगे जिसमें कि जो स्पर्म का नॉर्मल जो रेंज होता है 1 ml सीमेन में 15 मिलियन स्पर्म होने चाहिए, 15 मिलियन स्पर्म होने चाहिए। माइल्ड में ओलिगो स्पर्मिया में 10 से 15 मिलियन स्पर्म्स 1 ml सीमेन में होते हैं, इसको हम माइल्ड ओलिगो स्पर्मिया कहते हैं। और मॉडरेट ओलिगो स्पर्मिया में 5 से 10 मिलियन स्पर्म होते हैं 1 ml सीमेन में, इसे हम मॉडरेट कहेंगे। अगर सीवियर ओलिगो स्पर्मिया किसी में है, किसी पेशेंट में अगर सीवियर है ओलिगो स्पर्मिया, बहुत ही स्पर्म काउंट कम है सीमेन में, तो ये 0 से 5 मिलियन स्पर्म पर ml सीमेन में होना चाहिए, तो इसे हम सीवियर ओलिगो स्पर्मिया से डिफ़ाइन करेंगे। और लास्ट में हमारा है एस्पर्मिया या फिर अजोस्पर्मिया है, जिसमें कि एकदम बिल्कुल ही जो है स्पर्म जो है नहीं होते हैं सीमेन में, इसमें हम नील कहते हैं, नील स्पर्म काउंट इन सीमेन, तो या फिर या अब्सेंट है, स्पर्म है ही नहीं सीमेन में, तो जिनमें शुक्राणु बिल्कुल नहीं है सीमेन में, बिल्कुल ही नहीं है तो नील है, तो उसे अजोस्पर्मिया या एस्पर्मिया बोलते हैं। तो पुरुषों में शुक्राणु की कमी होने की वजह से उनमें फर्टिलिटी जो रेट है, इनफर्टिलिटी रेट इंक्रीज़ कर गई है आजकल ज़्यादातर, तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। और इसके हम आप बात कर लेते हैं कॉजेस के बारे में, तो ये ओलिगोस्पर्मिया होता क्यों है इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने शो कर दिया है, आप इसको देख लीजिए, यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही है कॉजेज ऑफ लो स्पर्म काउंट, जो वजह होती है स्पर्म काउंट कम होने की, जो वजह है, जो कारण है, सबसे पहला है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है मेजर काउज है ये स्पर्म काउंट कम होने का। तो ज़्यादातर देखा गया है कि स्ट्रेस की वजह से लोगों में जो है स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं। स्मोकिंग है या ड्रिंकिंग है, एल्कोहल अगर वो ले रहे हैं, या फिर कोई रिक्रिएशनल ड्रग्स ले रहे हैं जिसके इस्तेमाल से जो है उनमें स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, या किसी पर्सन में अगर बैलेंस अनबैलेंस डाइट है, जिसमें डाइट जो है उनमें ताकत वाली चीज़ें नहीं ले पाते हैं, उनमें खान पान सही नहीं है, तो उनमें भी स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं।
और ओलिगोस्पर्मिया का कारण हो सकता है कि उनमें पैथोलॉजिकल कोई डिजीज़ है, या फिर वेरुकोसील है, या टेस्टिस में ही कोई इन्फेक्शंस हैं और काइटिस हो गया है, या उनमें हाइड्रोसील होने की वजह से। और एज फैक्टर भी ये निर्भर करता है कि उनमें उम्र क्या है, ये भी देखा जाता है कि उनमें क्या उम्र है। अब हम जान लेते हैं कि ओलिगोस्पर्मिया के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं जिनमें कि पेशेंट को जो है पता चल जाए कि हमारे अंदर स्पर्म काउंट कम है। तो सिम्टम्स इसमें सबसे पहला है इरेक्टाइल डिसफंक्शंस हैं, पेनिस का इरेक्शंस बहुत ही कम है, या फिर उनमें जो है ढीलापन है, या मेंटेन नहीं है, इरेक्शंस मेंटेन नहीं हो पाते हैं नॉर्मली, या फिर किसी में सूजन है वेंस में, जो हमारी वेंस होती हैं उनमें सूजन है, टेस्टिकुलर वेंस जो होती हैं उनमें सूजन है, या टेस्टिस में स्वेलिंग हो गई है अराउंड पूरी तरफ, जो चारों तरफ जो है सूजन हो गई है टेस्टिस में। और इन किसी में अगर इनफर्टिलिटी है, जिनमें पुरुषों में अगर बांझपन है, इनफर्टिलिटी है, स्पर्म काउंट बिल्कुल नील है, उसकी वजह से ये आपको पता चल जाएगा, सिम्टम्स ये हैं। और बॉडी हेयर का लॉस होने लगता है, बॉडी में से जो है हेयर बहुत ज़्यादा लॉस होने लगते हैं सब जगह से, जेनाइटल एरिए से, और जो हमारी आर्मपिट है, एक्सिलरी हेयर वहाँ पे लॉस होने लगते हैं। तो ये सिम्टम्स थे, आप देख लीजिए इसको। अब हम इसके डाइट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें अगर लो स्पर्म काउंट है मेल्स में अगर किसी में भी, तो उसमें डाइट प्लान क्या चेंज करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमने शो कर दिया है, आपको स्क्रीन पे देख लीजिए, जिससे कि आपके स्पर्म काउंट बहुत ही जल्दी से रैपिडली जो है इंक्रीज़ कर जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे केला है, लहसुन है, यहाँ पे अंडे हैं, और हरी सब्जियाँ हैं, गाजर है, अखरोट है, ये सब आप लीजिए। और सुबह शाम जो है एक गिलास दूध के साथ जो है, सुबह के टाइम आप बनाना का शेक बना लीजिए, और शाम के वक्त जो है खजूर का शेक ले लीजिए। तो इससे आपके स्पर्म काउंट बहुत तेज़ी से रैपिडली इंक्रीज कर जाएंगे, बहुत जल्दी ही। तो ये था ओलिगोस्पर्मिया के बारे में, हमने आपको डिटेल में बता दिया है ओलिगोस्पर्मिया की कॉजेज, ट्रीटमेंट, और इसके जो है सिम्टम्स क्या क्या थे हमने आपको बता दिया है। तो आप ये डाइट प्लान चेंज कर लीजिए, अपनी जो भी रूटीन है आपकी डाइट की, इसको चेंज कर लीजिए, और इसको जो है डाइट को रेगुलर जो है लीजिए, इससे आपके जो है इम्प्रूवमेंट बहुत तेज़ी से हो जाएंगे बॉडी में, तो स्पर्म काउंट बहुत जल्दी इंक्रीज़ कर जाएंगे। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।